गुड न्यूज फॉर इंडियन फुटबॉल। अब इंडिया की जो फुटबॉल है वो रिकॉग्नाइज्ड हो रही है एशिया के अदर अदर कॉन्फेडरेशंस में। बट क्या इसका मतलब ये है कि क्या इंडिया को अब सैफ कॉन्फेडरेशन अपना छोड़ देना चाहिए? क्या ये सही है या नहीं? एंड क्या गुड न्यूज है उसके बारे में भी बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। इंटर कॉन्टिनेंटल कप में फनेटिक परफॉर्मेंसेस के बाद एंड सैफ चैंपियनशिप में भी हम फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो काफी इंप्रेसिव कैंपेन, काफी इंप्रेसिव वन मंथ था ये इंडियन फुटबॉल के लिए। एंड अब वो दिख रहा है एशिया के अलग अलग कॉन्फेडरेशंस में, जो काफा रीजन के, जो सेंट्रल एशिया फुटबॉल एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं कारीमोव, उन्होंने कहा है कि हमने इंडिया को पहले भी इनवाइट करा था काफा के टूर्नामेंट में खेलने के लिए अंडर 16, बट ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं आ पाए। बट इंडिया इज अ बिग मार्केट इन फुटबॉल एंड धीरे धीरे उनकी जो मार्केट है फुटबॉल की वो ग्रो हो रही है। एंड वी आर लाइकली टू अगेन इन्वाइट इंडिया फॉर काफा नेशंस कप इन नियर फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं ये जो जनरल सेक्रेटरी का है काफा के ये बयान, उन्होंने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि हम इंडिया को कंसीडर करेंगे काफा नेशंस कप के लिए आने वाले टाइम में इन फ्यूचर। एंड इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अवर इंडियन फुटबॉल टीम। एक ऐसा स्टेटमेंट काफा रीजन के जनरल सेक्रेटरी से काफ़ी एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो इंडिया की परफॉर्मेंसेस निकली हैं पिछले एक मंथ में वो कहीं ना कहीं अब अदर रीजन्स, अदर कॉन्फेडरेशंस की भी नज़र खींच रही है कि यार इंडिया एक सैफ रीजन में एक अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो क्यों ना हम उनको अपने रीजन के, अपने कॉन्फेडरेशन के कप में इन्वाइट करें। एंड कहीं ना कहीं ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप होगा अगर आने वाले फ्यूचर में काफा के जो जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि हम बुला सकते हैं इंडिया को, अगर वो बुलाएं तो। अब सबसे पहले बात हम ये समझते हैं कि काफा में कौन सी कंट्रीज खेलती हैं। सेंट्रल एशिया फुटबॉल एसोसिएशन में खेलती है अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान आपकी खेलती है, किर्गिस्तान आपकी खेलती है, ईरान खेलती है उसमें, और उज़्बेकिस्तान खेलती है उसमें। तो कहीं ना कहीं ईरान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जैसी कंट्रीज अगर आपको मिलेंगी एक कप में, तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, बहुत ही एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको। एंड जो आपकी एक तमन्ना है हर इंडियन फुटबॉल फैन की कि हम बड़ी कंट्रीज के अगेंस्ट खेले एशिया में, वो भी हमारा जो डिज़ायर है वो पूरा होता है अगर हम काफा में खेलेंगे तो। बट इसका मतलब क्या ये है कि हमारे को सैफ रीजन छोड़ देना चाहिए अब? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे को सैफ कॉन्फेडरेशन छोड़ देना चाहिए अब। एज अ इन्वाइटी हम खेल सकते हैं किसी भी अलग कॉन्फेडरेशन में जाके, बट हमारा जो एक राइट है सबसे पहले वो है सैफ कॉन्फेडरेशन में खेलना, जिसमें हम अभी खेल रहे हैं, यस। बट इसको हमारे को एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखना चाहिए कि जैसे ही सैफ चैंपियनशिप खत्म हो तो हमारे को अगर कोई कंट्री नहीं मिल रही फ्रेंडली के लिए तो हम नेपाल को बुला लें, पाकिस्तान को बुला लें, हम श्रीलंका को बुला लें। नहीं, सिर्फ हमने इनको सैफ चैंपियनशिप में ही खेलना है इन कंट्रीज को, इनको हमने बार बार अपने फ्रेंडलीज के लिए नहीं बुलाना है, क्योंकि इससे हमारी ग्रोथ भी नहीं होगी एंड उन टीम की भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो हमसे इतने रैंकिंग में पीछे हैं, इतना उनका अभी लेवल नीचे है फुटबॉल का कि उनको भी पता है कि हमने हार नहीं है अगर हम इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे तो। तो हमने इन कंट्रीज के अगेंस्ट खेल के अपनी आदत नहीं बनानी है। बट यस, इट्स अ बिग स्टेप फॉर इंडियन फुटबॉल के अगर एक काफा का जनरल सेक्रेटरी आपको ये स्टेटमेंट दे रहा है कि आपको वो बुलाएगा नेशंस कप के लिए अपने, तो कहीं ना कहीं आई थिंक इट इज़ अ सीरियस पॉसिबिलिटी नाउ कि अलग अलग कॉन्फेडरेशंस ऑफ एशिया कैन ऑल्सो इन्वाइट इंडिया। एंड यही होता है जब आप परफॉर्मेंसेज प्रोड्यूस करो, आप जब अच्छी फुटबॉल खेलो तो वर्ल्ड फुटबॉल की नज़र आपके ऊपर होती है, कहीं ना कहीं ये दिखाया काफा के जनरल सेक्रेटरी ने। तो कहीं ना कहीं आई एम श्योर कि और भी एशिया के जो कॉन्फेडरेशन है अलग अलग, वाफ की बात करूं मैं, ये अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, काफा की बात कर रहे हैं हम, तो और भी रीजन्स, एशियान रीजन की भी बात अगर मैं करूं, जो कि साउथ ईस्ट एशिया, जो कि साउथ एशिया है उनका रीजन, अगर वो भी बुलाएंगे इंडिया को तो आई एम श्योर कि इंडिया को जाना चाहिए। ऑल दो यस, हम काफा के जो पुराने इन्विटेशन था अंडर 16 चैंपियनशिप का, उसमें हम अपनी टीम नहीं भेज पाए थे ड्यू टू सम रीजंस जो कि आज तक हमारे को नहीं पता चल पाए,
बट आई एम श्योर कि अगर हमारे को ऐसे इन्विटेशंस मिले नियर फ्यूचर में तो हमारे को एक्सेप्ट करने चाहिए, जिससे कि हमारी ही टीम की इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ होगी एंड कहीं ना कहीं बड़ी टीम्स को अगर हम खेलेंगे, ईरान को, उज़्बेक्स को एंड किर्गिस्तान को, तो हमारी ही डेवलपमेंट होगी इसमें. तो आई एम श्योर इट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स टू आवर रिजल्ट्स इन द मंथ ऑफ जून. बट लेट्स सी कि कब हमारे को इन्विटेशन आता है ऑफिशियली एक कॉन्फेडरेशन का फ्रॉम ओवर एशिया कॉन्टिंजेंट. तो यही थी आज की वीडियो. अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना. टिल देन,